राज्यपाल एवं कुलाधिपति उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय डॉक्टर के पाल जी, प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सम्मानित सदस्य, विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर आर सी मिश्र, विश्वविद्यालय के समस्त प्राध्यापक एवं कर्मचारीगण, मैं आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। साथ ही इस गौरवपूर्ण अवसर पर बाहर से आए सम्मानित अतिथिगण, समस्त छात्रों, उनके अभिभावकों, हमने गत अप्रैल माह में ही अपना द्वितीय दीक्षांत समारोह आयोजित किया था, जिसमें वर्ष 2015-16 के उत्तीर्ण छात्रों को डिग्री तथा पदक प्रदान किए गए थे। आज हम तृतीय दीक्षांत समारोह आयोजित कर रहे हैं, जिसमें सत्र 2016-17 के 8000 से ज़्यादा उत्तीर्ण छात्रों को महामहिम उनकी उपाधि प्रदान करेंगे। यह माननीय कुलाधिपति के प्रेरणास्पद निर्देश का ही फलश्रुति है। यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस दीक्षांत समारोह की गरिमा में बेला की आप अध्यक्षता कर रहे हैं और साथ ही दीक्षांत उद्बोधन भी दे रहे हैं। डॉक्टर पाल कर्मठ, पुलिस प्रशासक, कुशल राजनीतिक, चिंतक, अध्यवसायी और बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व हैं। ऐसे अतिथि को मुख्य अतिथि के रूप में पाकर हम गौरवान्वित हैं।
मैं माननीय कुलाधिपति महोदय का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। उच्च शिक्षा मंत्री की चिंता का मूल है, विश्वविद्यालय को आपका सहयोग हमेशा मिलता रहा है। इस विश्वविद्यालय की समस्याओं के प्रति आपका मार्गदर्शन हमें कृतज्ञता जाहिर करता है। देवियों और सज्जनों, दीक्षांत समारोह का महत्व किसी शिक्षक के लिए उनके श्रम के निष्कर्ष को देखने जैसा है। दीक्षांत समारोह भविष्य का संकेतक भी है। दीक्षांत समारोह में प्राप्त विद्यार्थियों की सफलता उनके भविष्य निर्माण की पीठिका बनेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आज के समारोह में 2016-17 में उत्तीर्ण स्नातकों, परास्नातकों और स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारियों में से 8,000 से ज्यादा उपाधारकों को सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही इसी अकादमिक वर्ष में विभिन्न पाठ्यक्रमों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले 19 तकनीकी कुशलता और गुणवत्ता परक मानवीय संसाधनों में भी हम सबसे आगे रहे हैं। प्रथम बार इस जुलाई सत्र में हमारे विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या 40,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। हमारी छात्र संख्या क्रमशः बढ़ती रही है। पिछले वर्ष से सत्र में 2 बार प्रवेश आरंभ किया था, जिससे हमें आशातीत सफलता प्राप्त हुई। शीतकालीन सत्र में ही 11,000 से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया। यह तथ्य इस बात का संकेतक है कि छात्र और समाज में हमारी साख निरंतर सुदृढ़ हुई है। आज विश्वविद्यालय 13 विद्याशाखाओं के भीतर 70 से ज्यादा पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है। इन पाठ्यक्रमों में जहां बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे परंपरागत पाठ्यक्रम है, वहां दूसरी ओर प्रबंध अध्ययन, होटल मैनेजमेंट, पर्यटन, समाज कार्य, आपदा प्रबंधन, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, योग जैसे व्यावसायिक और रोजगार पर पाठ्यक्रम भी है। हम विद्यार्थी के प्रवेश से लेकर उनके प्लेसमेंट तक उनके साथ रहते हैं। इसीलिए हमने कौशल विकास से संबंधित विभिन्न रोजगार परक पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किए हैं। व्यावसायिक अध्ययन विभाग के अंतर्गत वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, बैंकिंग, वित्त एवं बीमा, इंडस्ट्रियल स्किल्स एंड प्रैक्टिसेस आदि में प्रमाण पत्र एवं इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस में डिप्लोमा आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रारंभ किए जाने प्रस्तावित हैं। व्यावसायिक अध्ययन शाखा के अंतर्गत कौशल विकास से जुड़े इस प्रकार के 2 प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट कोर्स इन रेडियो प्रोडक्शन प्रोग्रामिंग का सर्टिफिकेट कोर्स इन इंडस्ट्रियल स्किल्स एंड प्रोसेस को अब 17-18 से प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। यह पाठ्यक्रम ऐसे युवाओं को केंद्र में रखकर विकसित किया जा रहा है जो व्यावसायिक क्षेत्र में अपने पेशेवर जीवन की संभावनाएं तलाश कर रहे हैं। इसी प्रकार मनोविज्ञान विषय में स्मृतिवर्धक विज्ञान में प्रमाण पत्र आरंभ किया जा चुका है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा लागू वस्तु एवं सेवा कर नियम की महत्ता के दृष्टिगत विश्वविद्यालय ने GST में एक प्रमाण पत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है तथा वाणिज्य विभाग ने GST के विषय को एक खंड के रूप में अपने पाठ्यक्रम में समाहित भी किया है। इन पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने की प्रक्रिया प्रमाण पत्र का डिप्लोमा प्रारंभ कर रहा है। पुस्तकालय एवं सूचना विभाग विद्यार्थी विश्वविद्यालय द्वारा फाउंडेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम का MOOC भी विकसित किया गया है, जो कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट elearning.uou.ac.in पर उपलब्ध है। यह सभी छात्रों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। उत्तराखंड राज्य सरकार इस देवभूमि में संस्कृत भाषा के विकास को लेकर विशेष प्रयत्नशील है। यह विश्वविद्यालय संस्कृत भाषा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम पहले से संचालित कर रहा है। सत्र 2017-18 से संस्कृत भाषा के एक प्रश्न पत्र को विकल्प के रूप में स्नातक स्तर पर आधार पाठ्यक्रम में सरल संस्कृत सुबोध नामक पाठ्यक्रम शामिल किया गया है। यह पाठ्यक्रम इस प्रकार तैयार किया गया है जिससे कोई भी सहज रूप से संस्कृत सीख लेगा। इस संबंध में संस्कृत तथा भारतीय कर्मकांड में नवीन प्रमाण पत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा संस्कृत भाषा में प्रमाण पत्र प्रारंभ किए गए हैं। ज्योतिष देश की प्रमुख प्राची विद्या रही है। विश्वविद्यालय ज्योतिष विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ कर रहा है। ज्योतिष विषय में MA का पाठ्यक्रम विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया जा रहा है। हमारा विश्वविद्यालय देश का पहला मुक्त विश्वविद्यालय है जो स्नातकोत्तर स्तर पर इस पाठ्यक्रम को प्रारंभ करेगा। विश्वविद्यालय अर्वाचीन विधाओं को भी समान रूप से महत्व देता है। इसी क्रम में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने जापानी भाषा में सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा है। कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान सत्र में निम्न नए पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं। सर्टिफिकेट कोर्स इन इंडस्ट्रियल स्किल्स एंड प्रोसेस, सर्टिफिकेट कोर्सेज इन रेडियो प्रोडक्शन एंड प्रोग्रामिंग, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन साइंस आदि। विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की उपाध्यायता का मूल्यांकन करने के लिए उत्तीर्ण छात्रों के रोजगार की स्थिति की जानकारी हेतु रोजगार सर्वेक्षण भी कराया गया। इस सर्वेक्षण वाले छात्रों के रोजगार की वर्तमान स्थिति का आकलन करना था, जिससे विश्वविद्यालय ये जान सके कि विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में कितने उत्तीर्ण, कितने प्रतिशत छात्रों को रोजगार प्राप्ति में सहायक होता है, जिससे उस विषय में समय और मांग के अनुसार आवश्यक परिवर्तन किया जा सके तथा उस विषय को और अधिक रोजगार पर बनाया जा सके। हमें इस बात की खुशी है कि रोजगार सर्वेक्षण में हमारे ज्यादातर पाठ्यक्रमों का गठन किया गया है। इस प्रकोष्ठ के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकों की टीम जून, जुलाई, अगस्त माह में कुमायूं व गढ़वाल क्षेत्रों में
दूर शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा के प्रति पर्वतीय क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करने एवं विश्वविद्यालय द्वारा छात्र सहायता सेवाओं के संबंध में उठाए गए कदमों की जानकारी देने हेतु विभिन्न दुर्गम स्थानों पर प्रचार प्रसार किया गया है। गठित टीम के सदस्यों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों के विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों में रोजगार परक व परंपरागत पाठ्यक्रमों के संबंध में विद्यार्थियों को अवगत कराया गया। पर्वतीय क्षेत्रों में प्रकोष्ठ के सदस्यों द्वारा दूर शिक्षा के संवर्धन हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन पौड़ी उत्तरकाशी जैसे स्थानों पर किया गया। यह हमारे लिए हर्ष का विषय रहा कि इस विश्वविद्यालय के इस मुहिम में माननीय शिक्षा मंत्री जी का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। आप दूर शिक्षा संवर्धन कोष के इस कार्यक्रम में न सिर्फ आए बल्कि अपनी उपस्थिति से विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों शिक्षकों एवं कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ाया। दूर शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार हेतु परिसर कार्यालय देहरादून द्वारा गढ़वाल क्षेत्र के उत्तरकाशी और टेहरी जनपद को जोड़ने के लिए सोशल मीडिया फेसबुक और व्हाट्सएप में एक ग्रुप UOR प्रचार प्रसार उत्तरकाशी टेहरी के नाम से बनाया गया, जिससे इस परिक्षेत्र के छात्र छात्राओं और जनमानस को दूर शिक्षा के संबंध में निरंतर जानकारी प्राप्त। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का प्रथम पूरा छात्र सम्मेलन मई माह में आयोजित हुआ। विश्वविद्यालय के प्रथम पूरा छात्र सम्मेलन समवाय कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के पूरा छात्रों ने बड़े उत्साह से भागीदारी की। इस पूरा छात्र प्रकोष्ठ के माध्यम से हम अपने छात्रों को आजीवन अपने से जोड़े रखना चाहते हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के केंद्रित पाठ्यक्रमों को विकसित करने पर विशेष बल दे रहा है। नियमित परामर्श सत्रों के अतिरिक्त योग प्रबंध अध्ययन पत्रकारिता समाज कार्य एवं शिक्षा शास्त्र में विशेष कार्यशालाओं के आयोजन के अतिरिक्त कुछ विषयों में विशेष अल्पकालिक कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय डिजिटल कैंपस बनने की दिशा में अग्रसर है। विश्वविद्यालय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय की कार्य योजना को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर कार्यशाला का आयोजन किया। विश्वविद्यालय क्रेडिट ट्रांसफर की दिशा में भी काम कर रहा है। स्वयं पोर्टल पर उपलब्धों के द्वारा भुगतान किए जाने वाले पाठ्यक्रम शुल्क में 15% छूट देने की व्यवस्था की गई है। भारत सरकार के प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया व UGC के प्राप्त निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा लेन देन को रोकड़ मुक्त किया जा रहा है। वर्ष 2016-17 में 65,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने शुल्क बैंक का विश्वविद्यालय के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया। सभी बाह्य सेवा प्रदाताओं को डिजिटल भुगतान किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त निर्देश के क्रम में शैक्षणिक अभिलेखों को डिजिटल डिपॉजिटरी में अपलोड किया जा रहा है तथा देश के समस्त विश्वविद्यालयों अकादमिक संस्थाओं की डिजिटल डिपॉजिटरी राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल अकेडमिक डिपॉजिटरी से जोड़ी जानी है, जिससे शैक्षणिक अभिलेखों सूचनाएं डिजिटल फॉर्मेट में राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध होंगी एवं प्रमाण पत्रों के सत्यापन में सुविधा होगी। इस संबंध में विश्वविद्यालय ने 3 अगस्त 2017 को नेशनल डिजिटल डिपॉजिटरी सेल का गठन किया गया है और उन्होंने इस संबंध में MOU भी कर लिया है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय सूचना एवं प्रसार संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT के प्रयोग को लगातार बढ़ा रहा है। इस कैंपस को पूर्णतः वाईफाई सुविधा से शुल्क परीक्षा से संबंधित सभी जानकारियां स्वतः ही देख सकते हैं। यह विश्वविद्यालय हरित एवं स्मार्ट कैंपस की दिशा में उन्मुख है। इस हेतु विश्वविद्यालय ने कई नवीन पहल की है। विश्वविद्यालय सौर ऊर्जा यंत्र लगाने की पहल कर रहा है। विश्वविद्यालय ने बिजली बचाने हेतु उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा सोलर पावर प्लांट लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। इसी प्रकार विश्वविद्यालय ने पानी के संग्रहण की दिशा में भी उचित व्यवस्था की है। विश्वविद्यालय ने परिसर में अनुपयोगी भूमि में वर्षा के जल को संग्रहण करने हेतु पॉलीथीन टैंक का निर्माण किया है। विश्वविद्यालय में कूड़े के निस्तारण हेतु गड्ढों का निर्माण कराया गया है। इस प्रक्रिया को विश्वविद्यालय जैविक खाद का निर्माण कर सकेगा, जिसका उपयोग विश्वविद्यालय के हरितिमा में किया जाएगा। हरित कैंपस की परिकल्पना के क्रम में समय समय पर व्यापक संख्या में पेड़ पौधे भी लगाए गए। आज विश्वविद्यालय में सभी विषयों के अपने अपने ब्लॉग हैं, जिसके जरिए छात्रों को विषय की नवीनतम जानकारी प्राप्त होती रहती है। विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों के हितार्थ 20-25 मिनट के वीडियो भी तैयार किए गए हैं। ये वीडियो पाठ्यक्रम पर आधारित हैं। वर्तमान में विश्वविद्यालय के पास 200 से अधिक वीडियो वक्तव्य उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय में रिकॉर्ड होने वाले वीडियो लेक्चर को छात्र जहां सीधे से सुनते हैं, वहां भविष्य में वे मुक्त विश्वविद्यालय के लिए केंद्रीय स्तर पर शुरू होने वाले स्वयं प्रभा नाम से 4 शैक्षणिक चैनलों और स्वयं नाम के MOOC चैनल में भी इनका प्रसारण होगा। कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग राष्ट्रों में स्थापित मुक्त विश्वविद्यालयों का सुना जा सकता है और इस ऐप का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसे देश विदेश में कहीं भी सुना जा सकता है। पूर्व में हेलो हल्द्वानी की भौगोलिक सीमा 10 किलोमीटर तक थी। विश्वविद्यालय के इस प्रयास से कम्युनिटी के साथ हमारे रिश्ते और व्यापक हो जाएंगे। इस दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ तथा आप सबका धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस विश्वविद्यालय को चुना। मैं आप सबको आपके भावी संगीत
सुंदरतम जीवन के लिए बधाई भी देता हूँ तथा आप सबका आह्वान करता हूँ कि आप आजीवन इस विश्वविद्यालय से जुड़े रहें तथा इसकी बेहतरी में अपना योगदान देते रहें। आप सभी हमारे पूरा छात्र प्रकोष्ठ से जुड़कर विश्वविद्यालय की विकास यात्रा में अपने सुझाव दे सकते हैं। इस अवसर पर मैं अपने समस्त शिक्षक साथियों, अधिकारियों और कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूँ जिनके अथक परिश्रम से विश्वविद्यालय इस ऊंचाई तक पहुँचा। इस क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों, जिला प्रशासन के अधिकारियों, पुलिस और मीडिया के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही राज्य सचिवालय और राजभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों का भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिनके सहयोग से यह विश्वविद्यालय अपने छात्रोन्मुखी प्रयासों को निरंतर आगे बढ़ा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में भी हमें आप सबका सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। मैं कुलपति जी से अनुरोध करूंगा कि वे महामहिम कुलाधिपति महोदय से स्नातकों को दीक्षोपदेश प्रदान करने हेतु आग्रह करें। माननीय कुलपति जी, अपने आचार्य की सेवा में अभिष्ट धन अर्पित करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते व्यय में प्रमाद न करो, ऐश्वर्य कार्य में प्रमाद न करो, स्वाध्याय एवं प्रवचन में प्रो पिता को देवता समझो, आचार्य को देवता समझो, अतिथि को देवता समझो, जो निर्दोष जो हमारे सुंदर आचार व कर्म है उन्हीं का पालन करो, अन्य का नहीं। जो हमारे श्रेष्ठ विद्वान हो उन्हें आसन देकर आश्वस्त करना चाहिए, श्रद्धा से देना चाहिए, अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए, ऐश्वर्य के अनुसार देना चाहिए, संकोच पूर्वक देना चाहिए, दृढ़ता से देना चाहिए, मैत्री भाव से देना चाहिए। और मैं इन्हें संबंधित उपाधियां अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में निहित प्राधिकार के आधार पर मैं आपको संबंधित विषयों में यथा प्रवृत्त स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान करता हूँ जिसकी आप के योग्य होने की प्रेरणा देता हूँ। अब मैं समाज विज्ञान तथा विधि विद्या साथियों को प्रस्तुत करें। श्रीमन, मैं आपके समक्ष समाज विज्ञान 22 MSW के 153 स्नातकोत्तर डिप्लोमा के योग्य होने की प्रेरणा देता हूँ विद्यालय के कुलाधिपति के रूप में निहित प्राधिकार के आधार पर मैं आपको संबंधित विषयों में यथा प्रवृत्त स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान करता हूँ जिसकी आपने इस विश्वविद्यालय को जीवन भर इस स्नातकोत्तर उपाधि अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा की योग्य होने की प्रेरणा देता हूँ। प्राधिकार के आधार पर मैं आपको संबंधित शिक्षा उत्तीर्ण कर ली है। मैं आपको जीवन भर इस स्नातकोत्तर उपाधि अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा की योग्य होने की प्रेरणा देता हूँ। संबंधित विषयों में स्नातक की उपाधि प्रदान करता हूँ जिसकी आपने इस विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। मैं आपको पदक एवं पुरस्कार विजेताओं के नाम कुमारी आरती MA अंग्रेजी, कुमारी आरती MA अंग्रेजी, जगत सिंह MA हिंदी, जगत सिंह MA हिंदी, अजीत कुमार सैनी MA शिक्षा शास्त्र, अजीत कुमार सैनी MA शिक्षा शास्त्र, डिंपल गुप्ता MA इतिहास,
डिंपल गुप्ता एमए इतिहास, दीपक सिंह रौतेला एमए राजनीति विज्ञान, दीपक सिंह रौतेला एमए राजनीति विज्ञान, ममता कठायत एमएसडब्ल्यू, हिमांशु बहुगुणा एमए समाजशास्त्र, मनवीर सिंह एमए अर्थशास्त्र, प्रियंका बलोधी एमबीए, मनीषा पांडे एमकॉम, रमिता महर्जन एमए योग, उत्तम प्रसाद सेमवाल एमएससी वनस्पति विज्ञान, अनुराधा जोशी एमएससी रसायन विज्ञान, और अब विश्वविद्यालय को इस साल 3 स्वर्ण पदक प्रायोजित हुए हैं उनका मैं घोषणा कर रहा हूं। लाला देवकी नंदन नंद किशोर एजेंसीज स्मृति स्वर्ण पदक, स्नातक स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रा दृष्टि बौड़ाई बीए, दृष्टि बौड़ाई। श्रीमती शीला देवी धर्मपत्नी लाला ओम प्रकाश स्मृति स्वर्ण पदक, कुमारी आरती एमए अंग्रेजी स्नातकोत्तर स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रा, हाईएस्ट मार्क्स एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। श्रीमती भगवती देवी धर्मपत्नी लाला नंद किशोर स्मृति स्वर्ण पदक, एमकॉम परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त विद्यार्थी मनीषा पांडे, हाईएस्ट मार्क्स इन एमकॉम। और अब मैं स्नातक कक्षाओं के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त विद्यार्थियों के नामों की घोषणा करता हूं। दृष्टि बौड़ाई बीए,
मिताली मधुस्मिता साहू बीकॉम, पूजा शर्मा बीवाईएन, और अब मैं गवर्नर्स गोल्ड मेडल अनाउंस कर रहा हूं, कुलाधिपति स्वर्ण पदक पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस के लिए पूजा ने पूजा शर्मा विवाही है। नाउ चांसलर्स गोल्ड मेडल ट्रस्टी बौड़ाई अंडर ग्रेजुएट क्लासेस में हाईएस्ट मार्क्स नाउ चांसलर्स गोल्ड मेडल एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए उत्तम प्रसाद सेमवाल एमएससी वनस्पति विज्ञान मैं अनुरोध करूंगा महामहिम से कृपया स्थान ग्रहण करें। कुलपति जी से अनुरोध। मेरा महामहिम कुलाधिपति महोदय जी से सादर अनुरोध है कि वे दीक्षांत उद्बोधन देने की कृपा करें। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह के गौरवपूर्ण अवसर में विशेष अतिथि उत्तराखंड सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, डॉक्टर नागेश्वर राव जी, कुल सचिव श्री मिश्रा जी, विश्वविद्यालय की कार्य परिषद तथा विद्या परिषद के माननीय सदस्यगण, उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधिगण, इनवाइटेड वाइस चांसलर्स, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नैनीताल श्री चौधरी, प्राध्यापकगण, मीडिया बंधुओं और प्यारे छात्रों, अभी आपने माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी को सुना। थोड़े ही समय में उनके डायनेमिज्म ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सुधार और प्रगति की है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो प्लान्स जो बनाई गई हैं उच्च शिक्षा के विषय में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए डिफरेंट क्षेत्रों के लिए, वो तो बहुत जल्दी उत्तराखंड को देश के प्रमुख राज्यों में एक प्रथम पंक्ति में ले आएंगी। और ये बहुत खुशी की बात है कि कुछ फंडामेंटल चेंजेस भी सोचे गए हैं और वो फंडामेंटल चेंजेस पे काम होना शुरू हो गया, उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो गई है। इन सब चीज़ों का आपको तो छात्रों को तो लाभ होगा ही, लेकिन सबसे बड़ा लाभ उत्तराखंड राज्य को होगा, उत्तराखंड क्षेत्र को होगा। और ये एक बहुत ही डायनेमिक स्टेप्स हैं, बहुत ही रेवोल्यूशनरी, एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप्स हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के
तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। यह तीसरा दीक्षांत समारोह इस बात की ओर बार बार संकेत करता है कि यह विश्वविद्यालय अपने आदर्शों के पालन और मानकों की पूर्ति करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय के कुलपति, कार्य परिषद, विद्या परिषद के सभी सदस्यों, यहाँ के शिक्षकों समेत समस्त लोगों को बधाई देता हूँ। उम्मीद है कि प्रगति के शिखर पर पहुँचने के लिए यह विश्वविद्यालय लगातार प्रयास करता रहेगा। दीक्षांत समारोह छात्रों के लिए गौरवशाली अवसर होता है। इस अवसर पर मैं डिग्री व डिप्लोमा उपाधि पाने वाले तथा अपनी पढ़ाई में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्राओं को भी बधाई देता हूँ। साथ ही आशा करता हूँ कि वे अपनी शिक्षा व संस्कारों के बल पर नए आदर्श स्थापित करते हुए समाज और विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। आप विशेष बधाई के पात्र हैं क्योंकि मुक्त विश्वविद्यालय से पढ़ने का मतलब है कि आप में न केवल दृढ़ विश्वास है बल्कि आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा शक्ति है। राष्ट्र का निर्माण और समाज को लाभ पहुंचाना ही सभी विश्वविद्यालयों का एक मात्र लक्ष्य होना चाहिए। यह उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय भारतीय संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ प्रतिभाशाली युवाओं का निर्माण करते हुए उन्हें मानवीय मूल्यों पर आधारित जीवन शैली के लिए प्रोत्साहन देता रहेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। यहाँ पर उपस्थित छात्रों, आपको इस बात का पूरा एहसास होना चाहिए कि शिक्षा एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। जीवन में निरंतर नवीन ज्ञान की खोज करते रहना और जीवन मूल्यों के आधार पर राष्ट्र और समाज के लिए सफलतापूर्वक कार्य करते रहना ही आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। आज दुनिया भर में भारी संभावनाएं और अवसरों की पेशकश की जा रही है। मैं अपनी कल्पनाएं बढ़ाते हुए नई संभावनाओं का पता लगाने व उनमें सफल होने के लिए आपको लगातार परिश्रम करते रहना चाहिए। इस विश्वविद्यालय में राज्य के पर्वतीय व मैदानी आदि क्षेत्रों के साथ देश के अन्य राज्यों के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा सुलभ कराने की व्यवस्था हेतु विशेष प्रयास करना चाहिए। दूरस्थ शिक्षा पद्धति में सेवारत पुरुष व महिलाओं के साथ साथ सभी आयु वर्ग वालों के लिए शिक्षित होने का अवसर उपलब्ध होता है। सभी के लिए यह हर्ष की बात है कि आज इस विद्यालय के छात्र संख्या 40,000 से अधिक हो चुकी है। निरंतर बढ़ती हुई छात्र संख्या ही इस विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली में सार्थकता सिद्ध करती है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय 8 क्षेत्रीय केंद्रों तथा 237 अध्ययन केंद्रों द्वारा पारंपरिक विषयों के साथ रोजगार परक शिक्षा के 70 से भी अधिक पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है। इसके माध्यम से कला, विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंधन आदि विषयों के संचालन द्वारा लोगों के शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। मुझे जानकर खुशी हुई है कि विश्वविद्यालय के स्नातक स्तर पर आधार पाठ्यक्रम के रूप में मानव मूल्य व आचार जैसे प्रश्न पत्र को शामिल किया गया है। आज के परिप्रेक्ष्य में मूल्यों के प्रति सजग रहना विश्वविद्यालयों का भी अपना एक अलग दायित्व है। साथ ही इसे विश्वविद्यालय ने अपने आधार पाठ्यक्रमों में संस्कृत भाषा जानने के इच्छुक छात्रों के लिए सहज संस्कृत बोध नामक प्रश्न पत्र को शामिल करके सराहनीय कार्य किया है। मेरी दृष्टि में पाठ्य सामग्री की भाषा सरल एवं शैली बोधगम्य होनी चाहिए। इस हेतु विश्वविद्यालय को निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। मेरी अपेक्षा है कि सूचना एवं संचार के सभी आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से शिक्षा में रुचि रखने वाले लोगों के अलावा भी सभी जरूरतमंदों को दूरस्थ शिक्षा पद्धति का उच्च शिक्षा का लाभ मिलना चाहिए। विश्वविद्यालय छात्रों को डिजिटल लिटरेसी प्रदान करते हुए पूरे प्रदेश में उच्च शिक्षा के लिए प्रभावशाली गति प्रदान करने का प्रयास करें। जो लोग कई कारणों से औपचारिक पद्धति द्वारा उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, उनके लिए ओपन एजुकेशनल रिसोर्स की खास उपयोगिता होगी। इसके माध्यम से कौशल पर शिक्षा को कम से कम समय में प्रदान करने और पाठ्य सामग्री के विकास के साथ साथ निर्माण में भी सहायता मिल सकती है। मुझे यह जानकारी है कि यहाँ पर सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी का संचालन भलीभांति हो रहा है। यह कार्य मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति को सफल बनाने में सहयोगी होगा। सामुदायिक रेडियो के सफल संचालन के लिए भिन्न भिन्न विषय क्षेत्रों के विद्वानों से आग्रह करके समसामयिक नवीन पहलुओं पर वार्ता का प्रसारण किया जाना चाहिए, जिससे छात्रों को अपनी पाठ्य सामग्री और रुचिकर लगे।
कम्युनिटी रेडियो का प्रयोग सबसे अधिक छात्रों के लिए ही किया जाना चाहिए। इससे पाठ्य सामग्री की कठिनाइयां दूर होंगी और छात्रों की अभिरुचि बढ़ेगी। आधुनिक सूचना एवं तकनीकी के द्वारा आप दूरस्थ शिक्षा की सभी पाठ्यक्रमों को लोकप्रिय बना सकते हैं। इस विश्वविद्यालय के लिए शिक्षा पद्धति में तकनीकी का प्रयोग नितांत आवश्यक है। जो भी पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं उन्हें व्यापक दृष्टि से नवीन बनाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी उपयोगिता सिद्ध हो सके। यह कार्य विश्वविद्यालय में निरंतर होता रहना चाहिए। MOOC का उपयोग भी लाभकारी हो सकता है। समाज का युवा वर्ग रोजगार की समस्याओं से जूझता हुआ नजर आता है, अतः कामकाजी छात्रों और रोजगार की खोज करने वाले लोगों के लिए वर्तमान कार्यक्रमों में रोजगार हेतु कौशल का समावेश होना चाहिए। विश्वविद्यालय ऐसे रोजगार परक पाठ्यक्रमों को लक्ष्य करके संचालित करें जिससे युवा वर्ग को रोजगार की संभावनाओं में अपनी सफलता ढूंढने में आसानी हो। निकट भविष्य का ध्यान रखते हुए ऐसे कार्यक्रम डिजाइन किए जाने चाहिए जिनसे छात्रों के लक्ष्यों की पूर्ति संभव हो सके। डिजिटल फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज के बारे में भी सोचना चाहिए, उनकी CD भी बनाई जा सकती है। शिक्षण विधि में अधिक आसानी व गुणवत्ता लाने के लिए विश्वविद्यालय स्मार्ट कैंपस बनाएं, जिसमें अधिक से अधिक वर्चुअल क्लासरूम या आभासीय शिक्षण कक्ष की व्यवस्था हो। अपनी कार्य प्रणाली में नवीनता लाने के लिए विश्वविद्यालय का एक अच्छा प्रयास रहेगा। आवश्यकता अनुसार डिजिटल लाइब्रेरी एवं ई कंटेंट का निर्माण भी इस दिशा में किया जाना उचित होगा। इसके माध्यम से विश्वविद्यालय के शिक्षक छात्रों से संवाद करें। इस प्रणाली को छात्र और शिक्षक के बीच सीधा संवाद का जरिया बनाना चाहिए, जिससे पाठ्य सामग्री भी छात्र उपयोगी हो सकती है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कौशल मिशन की स्थापना की है। युवाओं का कौशल विकास करना ही इस मिशन का मुख्य प्रयोजन है। विश्वविद्यालय को चाहिए कि इस मिशन के अनुरूप ही अपनी गतिविधियों का संचालन करें, ताकि युवाओं में कौशल विकसित हो और वे आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हों। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय इस दिशा में कार्य कर रहा है, यह संतोषजनक बात है। विश्वविद्यालय को चाहिए कि छात्रों को रोजगार की चुनौतियों का सामना करने के लिए कौशल आधारित शिक्षा देकर उन्हें सक्षम बनाने का प्रयास करें। इस हेतु उच्च शिक्षा में व्यवहारिक, व्यावसायिक और कौशल परक पाठ्यक्रमों के एक साथ संचालन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। यह कार्य प्रतिवर्ष पूर्व छात्र सम्मेलन कराकर आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए पूर्व छात्र प्रकोष्ठ एलुमनाई सेल को प्रभावी बनाते हुए इस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है। मेरी जानकारी में है कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा कुछ गांव को गोद लेकर उनके शैक्षिक विकास पर विशेष रूप से कार्य किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि यह विश्वविद्यालय गोद लिए हुए गाँव की शैक्षिक उन्नति के लिए प्रयास करते हुए वहाँ के लोगों को स्वावलंबी बनाने में सहायक हो रहा है। साथ ही पुष्प उत्पादन, फल संरक्षण, स्वास्थ्य जागरूकता से संबंधित कार्य भी लगातार किए जाने चाहिए, जिससे ग्रामीण लाभान्वित हो सकें। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि दूरस्थ शिक्षा समाज के लगभग सभी वर्गों के लिए शैक्षिक विकास का प्रभावी माध्यम बन रहा है। ज्ञान संपदा के इस नए युग में दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देना तो इसके प्रति समाज में विश्वास जगाना मुक्त विश्वविद्यालयों की एक कड़ी जिम्मेदारी है। इन्हीं प्रयासों से मुक्त विश्वविद्यालय राष्ट्र ज्ञान आयोग के उद्देश्यों पर भी खरा उतर सकता है। मुझे इस विश्वविद्यालय की छात्र संख्या को देखकर हर्ष है। यह प्रभावी कार्यशाली और इस विश्वविद्यालय के लोगों के प्रयासों का ही परिणाम है। स्वच्छ भारत, आदर्श ग्राम, डिजिटल इंडिया जैसी राष्ट्रीय उद्देश्यों में योगदान करने के लिए शिक्षकों को आगे आना होगा। शिक्षक के लिए उसके शिक्षण की प्रासंगिकता समाज और राष्ट्र के हित में होनी चाहिए। मुक्त विश्वविद्यालय को समाज के व्यापक उद्देश्यों के मार्ग पर कार्य करना चाहिए। गांधी जी ने कहा है, शिक्षा के अभाव में स्वस्थ समाज का निर्माण संभव नहीं है। सही मायने में शिक्षा वही है जो देश के युवाओं को स्वावलंबी बनाकर राष्ट्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। उपस्थित छात्रों, दीक्षांत समारोह का आयोजन विश्वविद्यालय का गौरव तो होता ही है, किंतु यह आपकी शिक्षा के प्रति ईमानदारी और कठोर परिश्रम को प्रमाणित करने का अवसर है। इस अवसर पर आपने परीक्षाओं में श्रेष्ठ होने का प्रमाण पत्र
प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देने के साथ ही प्रेरणा व सुझाव देता हूँ कि शिक्षा के सशक्त छात्र निजता से ऊपर उठ जाता है अगर अपने आप पर केंद्रित नहीं होता। ऐसे और छात्रों को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि समाज में सुधार के लिए किस प्रकार योगदान करके समाज को विकसित कर सकते हैं। ऐसा ज्ञान जो समाज के साथ साझा न किया जाए वह अप्रासंगिक हो जाता है। समाज को कुछ देने के विषय में आपको सोचना होगा। किसी शिक्षित व्यक्ति के लिए सामाजिक सहयोग ही चिंता का विषय होना चाहिए। आपकी यह उपलब्धि तभी सार्थक होगी जब आप समाज के सुधार, समाज के विकास और लोगों के विकास के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहेंगे। शिक्षा से प्राप्त संस्कारों द्वारा ही आप अपने आत्मबल से जीवन में चुनौतियों का सामना करेंगे। महापुरुषों के जीवन से सीखना, उत्कृष्ट पुस्तकों का अध्ययन करना और नया सीखने की ललक रखना ही आपका नैतिक दायित्व है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जीवन मूल्यों की राह पर चलकर सकारात्मक सोच के द्वारा देश और समाज का भला करने में सक्षम होंगे। भारतीय संस्कृति के अनुरूप कार्य करते हुए राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देना ही आपकी इस उपलब्धि को प्रमाणित करेगा। प्रिय शिक्षार्थियों, मुझे आशा है कि जिस मकसद से आपने शिक्षा पाई है उसे अपनी प्रतिभा और संस्कारों से तालमेल बनाकर अपना भविष्य सुनिश्चित करेंगे, साथ ही राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होकर इस विश्वविद्यालय का गौरव भी बढ़ाएंगे। मेरी अभिलाषा है कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सहायक साबित हो। नए नए बदलावों के साथ यह विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से जनसाधारण को उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक करते हुए अपनी गरिमा और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। इस अवसर पर उपाधि पाने वाले सभी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ तथा विश्वविद्यालय के कुलपति, कार्य परिषद, विद्या परिषद के सभी सदस्यों सहित संस्था से जुड़े सभी लोगों को तृतीय दीक्षांत के सफल आयोजन के लिए बधाई और धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। तृतीय दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करता हूँ। सभी से अनुरोध है कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, राष्ट्रगान होगा। नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ विकल बंगा, विंध्य हिमा तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जय गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, भाई भाई आप सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर बने रहें। घोषणाएं होनी है दूसरे प्रवेश द्वार के समीप काउंटर से लंच पैकेट हाउस से ग्रहण करें। विद्यार्थियों से निवेदन है प्लानिंग आप लोग चाहते हैं कि होनी चाहिए पूरे राज्य के अंदर, और दूरस्थ शिक्षा किस तरीके से जो है बढ़नी चाहिए। सबसे पहले आप थर्ड कन्वोकेशन ओपन यूनिवर्सिटी जिस पे डिग्री मिली है, उनको मेडल्स मिले हैं, छात्रों को बहुत बहुत बधाई और यूनिवर्सिटी को भी बहुत बहुत बधाई। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए थे पिछले दो कॉन्वोकेशन पे, उनकी भी सुझाव दिए गए और ये बहुत खुशी की बात है कि उन सुझावों के ऊपर अमल करते हुए यहाँ कुछ ऐसे कोर्स शुरू किए गए हैं जिनसे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है और उनके फिर सर्वे भी करवाए गए हैं और इन कोर्सेज का बहुत फ़ायदा हो रहा है।
मैं समझता हूँ कि इच्छा प्रबंध नहीं हो सकता क्योंकि बहुत दूर दूर है और फिर कुछ लोगों ने क्लासेस मिस की हुई हैं लेकिन उनको इच्छा है पढ़ने की उनकी कोई फैमिली कंपल्शन की वजह से वो भी कई दफ़ा उनको बीच में छोड़ना पड़ता है। तो ये उत्तराखंड का जो गुप्त विश्वविद्यालय है ये बहुत बड़ी ज़रूरत जो अभाव था जिसका उसको पूरा कर रहा है और ये बहुत ही बधाई की बात है। आज हमारे साथ शिक्षा मंत्री भी हैं उन्होंने बहुत अच्छी अनाउंसमेंट्स की हैं कि क्या फंडामेंटल चेंजेस होने वाले हैं शिक्षा पद्धति में। तो बाकी ये सर आपका विज़न क्या लगता है कि जो ऐसा कोई नहीं है कि कोई आगे बढ़ रहा है कोई पीछे हो रहा है। बेसिक काम ये है कि विश्वविद्यालय के सामने के एक उसमें गुणवत्ता लाए क्वालिटी एजुकेशन लाए और क्वालिटी एजुकेशन अगर हम दे सकते हैं तो हमारे विद्यार्थी जो हैं वो देश में सबसे आगे आएंगे। और अभी इस साल जो IIT के रिजल्ट्स आए उसमें हमारे विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा कोर्स प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए जो ट्रेनिंग हो रही है उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं खासतौर से जो जिनकी जो इनकम 2 लाख से कम है उनको छात्रवृत्ति देने का भी प्रोग्राम है। इसके बारे में शिक्षा मंत्री सर यह बात करते रहे हैं क्या कहेंगे उसके विषय में? देखिए ये मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे कुछ ऐसे विशेष कोर्सेज आरंभ किए गए हैं जिनकी मार्केट में डिमांड है और इमीडिएट उनसे एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो ये पर्यटन के बारे में भी एक कोर्स इन्होंने शुरू किया है, एक लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन के बारे में कोर्स शुरू किया है क्योंकि ये सोचा जा रहा है कि शायद जापानीज़ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने जा रही है भारतवर्ष में बहुत अच्छी, तो जापानीज़ लैंग्वेज का डिमांड बढ़ेगी क्योंकि जापान से टेक्नोलॉजी आएगी तो नेचुरली ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जापानीज़ लैंग्वेज का कोर्स शुरू किया गया, साइबर सिक्योरिटी का कोर्स शुरू किया गया। इस तरह की बहुत नई नई चीज़ें शुरू की जा रही हैं जिससे लोगों में एम्प्लॉयमेंट एक किस्म से पास करते ही रेडी एम्प्लॉयमेंट और यूनिवर्सिटी मैडम प्रणाम जी। यहाँ देखिए सर एक मिनट रेडी चटनी मार दी हमने वो। अरे ये अपने नीरज भाई हैं ना।